तो भाई साहब, बचपन में आपके भी बहुत सारे ख्वाहिशें होंगे, मगर अब उन ख्वाहिशों का कोई अता पता भी नहीं है। ऐसा ही एक यादगार कहानी है ये मेरे बचपन का। देखो भाई साहब, शुरू से मुझे साइकिलिंग का बहुत ज्यादा शौक था। उस टाइम मुझे लगता था कि दुनिया में कोई और काम नहीं है, बस साइकिलिंग ही है। बस आप यूँ समझो कि मेरे लिए मेरा साइकिल एक साइकिल नहीं था, बल्कि मेरे जान था। अगर अब वो साइकिल भी नहीं है, साइकिल चलाने का ख्वाहिश भी नहीं है, और मोहसिन भी बड़ा हो गया है और कहानियाँ सुना रहा है। जो साइकिल मोहसिन का कभी जान हुआ करता था, अभी उस साइकिल का कोई अता पता भी नहीं। भाई साहब, बड़े दिनों बाद साइकिल की याद आ गई। तो जो साइकिल मेरा जान था वो तो मेरे पास नहीं है, मगर 3-4 साल पहले मैंने एक साइकिल ले लिया था, वो मेरे पास है, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब चलने के काबिल नहीं है। तो उसको देखते हैं, अगर हम ठीक कर सके तो बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। सर्दियों में साइकिल चलाने के कुछ उसूल होते हैं, इनका ख्याल नहीं रखा तो आपको भी जानलेवा बीमारियां हो सकते हैं, मसलन बुखार। तो उसूल नंबर 1 ये है, और उसूल नंबर 2 ये है, एक और उसूल भी है और वो मुझे सबसे पसंद है। तो उसूल नंबर 3 है ये, आई लव माई शूज। आने ही वाला था कि अचानक सामने वाले टायर का हवा पड़ गया, मतलब साइकिल का हवा खत्म। तो देखो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर ही रहे हैं, तो मैं अपने बचपन की एक दोस्त से आपको रूबरू कराता हूँ। तो ये है दयान भाई। दयान भाई मेरे बचपन का दोस्त है और आजकल हमारा भाई ब्लॉगर भी बन गया है। वाकई फ़िलहाल आप दयान भाई के बारे में इतना समझ लीजिए कि दयान हमारे इस ब्लॉग के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे ज़िंदगी में भी एक अहम किरदार निभाते हैं। भाई साहब, ऐसी जगह में आके अगर माहौल नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। तो फ़िलहाल मैं और दयान भाई थोड़ा सिनेमेटिक्स आपको दिखाते हैं अपने अंदाज में। तो म्यूज़िक। भैया जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बचपन की यादों को ताज़ा करने में मज़ा आता है। बाकी अपने भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में अपने अंदाज में। तो अल्लाह हाफिज़।